नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी दो दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है, आप लोग देख लीजिए, सैलरी से रिलेटेड है। तो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है, नेस्ट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 2024 एंड सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द फॉलोइंग स्टेट यूटीज़ हैज़ बीन रिलीज्ड। जैसे कुछ इसमें इन्होंने लगभग वही 11 स्टेट मेंशन किए हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि सैलरी रिलीज़ कर दी गई है। हालांकि इसमें से कुछ स्टेट की जानकारी मुझे भी मिली है, कहीं कहीं कल आई है, कहीं परसों आई है। हालांकि नोटिफिकेशन 16 का है लेकिन कल सैलरी आई है और कुछ में अभी नहीं भी आई है। तो आप लोग देख लीजिए आपकी सैलरी आ गई या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने सैलरी रिलीज़ कर दी है। और जिन स्टेट की सैलरी रिलीज़ हुई है उसमें देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश है, दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरला, त्रिपुरा, मिज़ोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट इनका कह रहा है, सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड कर्नाटका विल बी रिलीज शॉर्टली। आई थिंक कर्नाटका में भी सैलरी आ चुकी है, उड़ीसा में भी आ गई है जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। इनके अलावा जो स्टेट बचते हैं, यानी 11 ये और 2 ये 13, फॉर रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट सोसाइटीज हैव बीन एडवाइज टू अप्रूव द एम्प्लॉई फॉर्म्स एंड प्रोवाइड द लीव रिकॉर्ड्स इमीडिएटली। तो जो बचे हुए स्टेट्स हैं जहाँ अभी सैलरी नहीं आई है, तो उनकी स्टेट सोसाइटी से बोला गया है कि जल्द से जल्द वो भी पूरी डिटेल भेज दें ताकि सैलरी टाइमली रिलीज़ की जा सके। आप लोग देख लें जो स्टेट मेंशन्ड हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो क्या आपकी सैलरी आ चुकी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने सैलरी रिलीज़ कर दी है। जहाँ की सैलरी आई है अभी कुछ स्टेट मुझे पता चले हैं, देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एक ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों ने डाला था कि वन मिनट हाय सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटक, TGT सोशल स्टडीज़, आई रिसीव द सैलरी, कर्नाटक में सैलरी आ गई है। तो ये कर्नाटका की है। और फिर उसके बाद हम बात करें, उड़ीसा में भी आ चुकी है। गॉट सैलरी इन उड़ीसा जस्ट नाउ, लेकिन अभी सिर्फ जून का क्रेडिट हुआ है, जुलाई का शायद अंडर प्रोसेसिंग है। तेलंगाना की भी आ चुकी है। तो कुछ स्टेट हैं जिन्होंने मुझे भेजा था तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था। और इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि कुछ जगह पर, कुछ स्टेट में या कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि जिन्होंने छुट्टियां जून में ली थी, जैसे जून में अगर किसी भी तरीके की छुट्टी ली गई है तो क्या किया गया है कि उस दिन की सैलरी कट करी गई है। ठीक है, जून में अगर किसी ने छुट्टी ली है तो वो सैलरी उतने दिन की कट होकर आई है, यानी वो डेज़ काउंट नहीं किए गए, उनको EOL या लीव लगाकर भेजा गया है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल से प्रिंसिपल ने किस तरीके से भेजी है अटेंडेंस। अगर आपने लीव भी ली है लेकिन प्रिंसिपल ने आपके फेवर में करके लीव मेंशन नहीं किया है और वर्किंग डे दिखाकर भेज दिया है तो पूरी सैलरी आ गई है। लेकिन क्योंकि ऊपर से मांगा गया था, तो अगर किसी ने मतलब नेस्ट को अगर ये भेजा गया है कि जून में इन्होंने लीव ली है, CL या जो भी लगा हो, तो वो CL आपकी कंसीडर नहीं करी गई है। हाँ, अगर प्रिंसिपल ने वो इन्फॉर्मेशन भेजी ही नहीं है तब तो पूरी आई है। हालांकि एक जगह ऐसा भी हुआ है, मुझे एक कैंडिडेट ने ये बताया, आई थिंक महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा, कि जहाँ पर उस कैंडिडेट ने जुलाई में छुट्टी ली है दो दिन की, जून की उसकी पूरी सैलरी आई लेकिन जुलाई में लीव ली है उसके बावजूद उसकी दो दिन की सैलरी काटी गई। मुझे एक कैंडिडेट का ऐसा पता चला। तो फिर उसने जब प्रिंसिपल से बात करी तो हालांकि उसने मुझे मैसेज भी दिखाया, तो दो दिन की कम सैलरी आई है जुलाई में। तो प्रिंसिपल ने यह कहा, अगर ऐसा है तो हम बात करेंगे, अगर सैलरी कटी है तो फिर आपने जो वो लीव CL ली हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी, यानी फिर वो आपकी CL
सुरक्षित रहेंगी आपकी, वो फिर EOL में कन्वर्ट कर देंगे हम उसे, या जैसा हमें ऊपर से गाइडलाइन मिलेगी या वो दो दिन का आगे एडजस्ट होगा अगर तो आगे करेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मान लो आपने छुट्टी ली है और क्योंकि लीव तो हमारे अकाउंट में है ही, CL तो हम ले ही सकते हैं प्रॉपरली, जितनी CL है, 4 CL के हकदार हम हैं दिसंबर तक। तो अगर आपने उतनी ही CL या उससे कम ली हैं तो सैलरी नहीं कटनी चाहिए, और अगर कट के सैलरी आई है तो अपने प्रिंसिपल से बात कर लें, उन्हें बता दें कि सर मेरा इतने दिन की सैलरी आई, बाकी आप लोग जोड़ लीजिए सैलरी कितनी बनेगी, वही 67,000 समथिंग TGT की बनेगी। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी हम बता रहे हैं आपकी सैलरी लगभग, अगर हम बात करें TGT की, तो TGT की जो सैलरी बनेगी, क्योंकि बेसिक पे आप लोगों का 44,900 होता है, केवल बेसिक और DA आ रहा है अभी, बाकी आपका DA अभी 50% के हिसाब से आएगा, तो ये DA बनेगा आपका 22,450। अभी कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, पूरी सैलरी आ रही है, तो ये 67,350। अगर कोई TGT की पोस्ट पे है तो एक महीने की पूरी सैलरी 67,350 आपको मिलेगी, देख लीजिए आप लोग। इसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं PGT की सैलरी की। PGT का जो कि बेसिक पे होता है 47,600, और इसमें आपका 50% अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा ठीक है DA, तो ये आपकी बनेगी 71,400। PGT की जो सैलरी आएगी वो 71,400 आएगी अभी, क्योंकि अभी कोई डिडक्शंस नहीं हो रहे हैं और सिर्फ बेसिक और DA अभी रिलीज़ किया जा रहा है, तो ये बेसिक है और ये आपका DA बन रहा है, तो ये सैलरी आपकी 71,400 आएगी। इसी के अकॉर्डिंग अपना बेसिक पे सभी लोग देख लें, जैसे कि जिनका हमें बेसिक पे पता है तो उनका हम बता दे रहे हैं, आई थिंक PRT का 35,400 होता है, सॉरी PRT की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल सिक्स में जितने भी लोग हैं लेवल सिक्स में, आई थिंक PET वगैरह लेवल सिक्स में रखे गए हैं, तो 35,400 है आप लोगों का बेसिक, और इसका 50% आप लोग जोड़ लीजिए, 50% आपका बनेगा जा कर के ये 17,700। तो आपकी सैलरी आएगी 53, ठीक है, 53,100। ये लेवल सिक्स में जितने लोग हैं उनकी सैलरी, इसी के अकॉर्डिंग आप ना बेसिक देख लो, एक स्लैब आती है तो उसमें अगर आप बेसिक दिया होता है कि किस लेवल पे आप हैं, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, लेवल 7 है, 8 है, जो भी लेवल है आपका, उसमें आप बेसिक इनिशियल स्टेज देख लो बेसिक पे कितना है, और उसका आधा आपका DA बन जाएगा क्योंकि इसमें 50% है। हालांकि जल्द ही DA बढ़ेगा, अगस्त चल रहा है तो अगले महीने तक अनाउंसमेंट हो जाएगा सितंबर में कि कितना बढ़ रहा है, या हो सकता है इसी मंथ में अनाउंसमेंट कर दिया जाए लास्ट तक, 3% सुनने में आ रहा है तो 53% हो जाएगा, तो सैलरी थोड़ी और बढ़ जाएगी, 1,000-2,000 रुपये और बढ़ जाएगा आपका। तो देख लीजिए आप, बात कर लीजिए, और बाकी और एक दो इन्फॉर्मेशन है उनको हमें अभी देना है, कि इन्फॉर्मेशन है जो पेंडिंग वाले थे उनके भी लेटर जारी कर दिए गए हैं, जैसे कुछ लोगों का पेंडिंग था, जैसे कॉमर्स पीजीटी ज्योग्राफी या तमाम कुछ ऐसी उनके फॉर्म को लेकर या कैंडिडेचर को लेकर उनको पेंडिंग रखा गया था, तो उनका भी जारी कर दिया गया है अपॉइंटमेंट लेटर,
उनको क्या करना है, वैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे जितने भी लोग हों, तमाम ग्रुप बने हुए हैं स्टेट के, आप देख लीजिए कौन सा स्टेट आपको अलॉट हुआ, आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9451 94 0747, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा आपको प्रिंसिपल का नंबर मिल जाएगा या किसी न किसी टीचर का नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं कि स्कूल कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, कब रिपोर्ट करना है, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।